तो ये सॉल्यूशन आपका बहुत कारगर सॉल्यूशन है। तो आपके अगर घर में भी ऐसा कोई होता है कि कीलें निकल जाती हैं और बार बार नहीं लगती हैं, तो आप यही सेम एमसील वाला सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं। और ये वर्किंग है फ्रेंड्स, काम आता है और अच्छा काम कर रहा है। बाकी कितने दिन तक चलता है वो आपको कभी जिस दिन टूटेगा उस दिन बताएंगे। पीछे बंदा वीडियो कॉल पर अपने जूते दिखा ये कूद रहा गया था कचड़े में, इसे बहुत मना किया बट मानता नहीं है ना बात को लोकल की। है। हम इसे बोल रहे थे मत कर। मॉर्निंग दोस्तों, तो जिम जा रहा हूँ मैं आज, बहुत लेट हो गया हूँ, तो मिलते हैं फिर आपको जिम में। तेरे यहाँ एसी भी लग गया वाले ये देखो एसी लग गया है पहला, बाकी लगेगा अभी बचा हुआ। तो दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ हमारी मौसी ने ऑर्डर करी थी। 25 तारीख को नाना नानी की एनिवर्सरी है, गोल्डन एनिवर्सरी, 50 एनिवर्सरी है। तो मौसी ने जयमाला ऑर्डर करी ऑनलाइन, फिर यहाँ आई घर पे और जयमाला इतनी बढ़िया आई है, ये तो सर के अंदर भी नहीं घुसेगी। तो ऐसा प्रैंक भी होता है, और ऊपर से अमेजोन पे ये नॉन रिटर्नेबल है, मतलब ये रिटर्न भी नहीं हो सकता। और 300 रुपये का पड़ा ये, और बर्बादी पैसों की नहीं, ये आधा खुद के गले में आ रहा है ना, क्या करेंगे इस, क्या कैसा जायमाला है ये। तो ऐसा भी होता है दोस्तों। तो फ्रेंड्स आज ये रिपेयर होने वाला है, ये है पर्दे का, ये यहाँ से निकल गया है यहाँ से। तो इसमें क्या है कि आप यहाँ पर बार बार फोल्डर नहीं कर सकते, वो फोल्डर कह रहा हूँ आपको, मतलब आप यहाँ पर ड्रिल नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बार ड्रिल हो चुका है और ये इतना मजबूत नहीं हो रहा है। तो इसका एक सॉल्यूशन ये है कि जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको कुछ नहीं, सबसे पहले आपको एम सील लेना है। एम सील मतलब ये बॉन्ड टाइप का होता है, ये एक जो मतलब पाइप रिपेयरिंग के लिए काम आता है। तो ऐसा आप एक ले लीजिए और इसको यूज़ करना बताता हूँ मैं आपको। इसमें से ऐसे दो निकलेंगे आपके, दोनों को मिक्स करना होता है सेम क्वांटिटी में। दोनों को मिक्स करने के बाद आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसे निकाल के मिक्स करता हूँ, मैंने ये लगभग बराबर क्वांटिटी में ले लिया। आप इनको मिक्स करूँगा मैं, तो अच्छे से मिक्स करना है फ्रेंड्स इसे, जब तक ये दोनों आपस में अच्छे से मिक्स ना हो जाए तब तक आप यूज़ में ना करें इसे, ताकि अच्छे से मिक्स होने पे फ्रेंड्स की स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी। तो इसे बढ़िया से मिक्स कर लीजिए। देखिए पहले किसी ने इसमें जोड़ने के लिए यहाँ पर कागज़ का भी यूज़ कर रखा है, और फेविक्विक लगा के जोड़ने की कोशिश करिए। तो ऐसा भी लोग कर सकते हैं फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपने तरीके से। हम आपको इसके टेस्ट करके बताएंगे ये एम सील है। अब क्या करना है, जो ये होल्स हैं जिसमें से निकल गया है, हम जितना हो सके कोशिश करना है फिल कर लें इसके अंदर, ठीक है, प्रेशर के थ्रू फिल करेंगे हम। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो ये दो कीले थी अब इनको इसमें यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। हमने इसे फिक्स कर लिया है देखिए, और इस तरीके से मेरे को लगता है डेफिनेटली आपका काम बन जाएगा। अब इसे हमें 2 से 3 घंटे छोड़ देना है, उसके बाद मैं आपको इसका टेस्ट करके दिखाऊंगा कि ये कितना मजबूत हुआ है। तो पहले इसे सूखने देना है, तो लगभग 3 घंटे बाद आपको इसके बारे में बताता हूँ। अब ऐसा ही सेम प्रॉब्लम सामने वाले डोर में भी है, तो यही प्रॉब्लम है, ऐसे ही सेम सॉल्व करेंगे, आपको हम दिखाएंगे सॉल्व करके। ये मेरी सिस्टर का ड्रीम कैचर। तो फ्रेंड्स इसमें भी सेम प्रोसेस से कर दिया हमने, अब हम वेट करेंगे इसका सूखने का, कि सूखने के बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि ये कितना कारगर होता है। वैसे मेरे हिसाब से ये हो जाना चाहिए, और इसमें आपको दोबारा ड्रिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप घर में इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे प्रॉब्लम, क्योंकि आपके पास ड्रिल तो होगी नहीं हमेशा, और ये मज़बूत तरीका भी है, तो ट्राई ज़रूर करिएगा। अब हम लगाने जा रहे हैं, इधर साइड वाला था जो हमारा मेन था, तो अब हम टेस्टिंग करने जा रहे हैं। वो इधर भी कमज़ोर है, फ्यूचर में इधर भी टूट जाएगा, इधर भी ट्रेन की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स ये हो गया है, तो ये सॉल्यूशन आपका बहुत कारगर सॉल्यूशन है। तो आपके अगर घर में भी ऐसा कोई होता है कि कीलें निकल जाती हैं और बार बार नहीं लगती हैं, तो आप यही सेम एमसील वाला सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं। और ये वर्किंग है फ्रेंड्स, काम आता है और अच्छा काम कर रहा है। बाकी कितने दिन तक चलता है वो आपको कभी जिस दिन टूटेगा उस दिन बताएंगे। तो मैं मार्केट आया हूँ अपने फ्रेंड की गाड़ी सर्विस कराने, ठीक कराने, इसका हैंड ब्रेक वगैरह इसी काम नहीं कर रहा था, तो अभी देखते हैं गाड़ी का काम चल रहा है। और इसमें गैस ख़त्म हो गई है, गैस भर रही है, दिखाता हूँ गैस कैसे भरती है। 1200 रुपये लगे, प्रेशर है।
एंड तो दोस्तों गाड़ी मैंने वहाँ छोड़ दी, अब हम आ गए हैं यहाँ पर आपका ब्लड बैंक के पास लोकेश से मिलने। तो वो जॉब करता है तो अभी छूटने वाला थोड़ी देर में, तो मिलते हैं उसे। और इसने अपना कैम्प्स का काम करा लिया, तो कह रहा है, इनका कहना है ऑफिस में थोड़े डिले लोग हैं, थोड़ा टाइम लगेगा काम होने में, बोल रहे मंडे को प्रोसेस करेंगे आप। तो मिलते हैं फिर लोकेश आने पर। तो फ्रेंड्स हम लोकेश से मिल गए हैं और हमने बहुत सारा डिस्कशन किया है, और ये पीछे बंदा वीडियो कॉल पे अपने जूते दिखा रहा है, कूद गया था कचड़े में। इसे बहुत मना किया बट मानता नहीं है ना बात को लोकल की, हम इसे बोल रहे थे मत कर। तो दोस्तों ये आ गया है, ये जबरदस्ती कीचड़ में कूदा, मैं जबरदस्ती नहीं कूदा, वहाँ कीचड़ था, बाइक को पकड़ रहा था मैं, इसलिए हो रहा था। ये जबरदस्ती कूदा है ये कह रहा था आई एम खतरों की छड़ी। अक्षय कुमार की शूटिंग चल रही थी तो मैं थोड़ा हो गया था, आ गया था शक्ति कपूर है, शक्ति कपूर अक्षय कुमार ना समझे थे। हम अभी ये बीच में सीमा द्वारा की तरफ एक शूटिंग हो रही थी, कोई गुलाब जल सीरीज की शूटिंग हो रही थी, तो वो देखिए हमने वहीं पे इस बंदे ने कीचड़ में हाथ डाला, गुलाब जल में मेरे गुलाब हो गए जूते, जूतों पे गुलाब लग गया, जल लग गया गुलाब। सही रही तो आपको वेब सीरीज में ही दिखाई देंगे हम। ये पूछते हुए कि भैया कि खाना तैयार है कि नहीं है। आप करने का एक तरीका बताता हूँ मैं आपको, ये भाई कर देगा बस, वो बंदे से थोड़ा हो गया। अरे वाह, तरीका बताता हूँ जूता साफ करने का, ये है ये कीचड़ वाला है, देर उठाइए ऐसे और इसको ऐसे रखिए और ऐसे ऐसे करिए इसके ऊपर, और ये देखिए जूता साफ। ये काफी साफ हो रहा है, बढ़िया जुगाड़ है जूता साफ करने का। थैंक यू भैया, भैया ने किया हमारा जूता साफ, सर हमारा जूता साफ हो गया। तो दोस्तों घर आ चुके हैं हम, खाना वाना खा लिया है, लेट हो गए थे तो हमने खिचड़ी बनाई है और खिचड़ी खा ली है हमने। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी आपको कल मिलते हैं इनके साथ।